समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने हेतु श्रीफल न्यूज का विचारशील कदम, बदलाव की बयार। बदलाव की बयार श्रीफल न्यूज का वो कदम है जहां समाज में सकारात्मक परिवर्तनों की बात सकारात्मक नजरिए और ऊर्जा के साथ होती है। हमारे इसी कदम में हम प्रस्तुत करना चाहते हैं एक ऐसा नजरिया जिसे अपनाकर हर जीव आत्मोत्थान की राह पर आगे बढ़ सकता है। रावण को हम सभी जानते हैं और जलाते हुए देखते भी हैं, पर क्या हम उसे उसके उन रूपों और गुणों के साथ जानते हैं जिसके कारण भविष्य में वो तीर्थंकर होने वाला है? शायद नहीं। इसलिए श्रीफल न्यूज 10 दिनों तक रावण के गुणों से आपको परिचित करवाएगा और चाहेगा कि इस दशहरे हम रावण को नहीं अपने अंतस में जिनेंद्र आराधना का दीप जलाएं। श्रीफल के लिए मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज की कलम से रावण को जानिए रावण की ही जुबानी। आज के अंक में मैं मातृ पितृ भक्त था और दृढ़ निश्चय भी, विद्याएं और सिद्धियां प्राप्त करने को की तपस्या मेरे व्यक्तित्व का एक और अच्छा पहलू था। मैं माता पिता का सच्चा भक्त था, उनकी आज्ञा का पालन सदा करता था और जो जीवन में ठान लेता उसे करके ही दम लेता था, यानी दृढ़ संकल्पित था। मां बताया करती थी कि राजा इंद्र ने मेरे दादा सुमाली के भाई राजा माली को मारकर लंका पर अधिपत्य स्थापित किया और उन्हें लंका से निकाल दिया। तभी से वे अलंकार उदयपुर पाताल लंका में रह रहे थे। मेरे पिता को मैंने बचपन से ही चिंतित देखा। उनकी चिंता का विषय था कि लंका को पुनः कैसे हासिल किया जाए। तब मां के कहने पर भानुकर्ण, विभीषण और मैं, हम तीनों भाई भीम वन में तपस्या के लिए संकल्पित हो साधना करने लगे। मैंने सबसे पहले 1,00,000 जाप कर सर्व कामांदन विद्या सिद्ध हुई, जिससे मन चाहे अन्य प्राप्त किए जा सकते थे। इसके बाद 16 अक्षर वाली विद्या सिद्धि के दौरान जम्बू द्वीप के अधिपति अनावृत यक्ष और उनकी पत्नियों ने विघ्न डालना प्रारंभ कर दिए। मुझे विचलित करने के लिए यज्ञ ने पहाड़, सर्प, हाथी, अग्नि, समुद्र आदि का रूप धरा, पर मैं जस का तस साधनारत रहा। उसने अपनी विद्या के बल से मेरे दोनों भाइयों के सिर काटकर मेरे सामने रख दिए। इस पर भी जब अड़िग था तो उसने मेरी बहन चंद्रनखा का धर्म भ्रष्ट करने और माता पिता और भाइयों को पीड़ा पहुंचाने का स्वांग रचा, पर मैं साधना में लीन रहा। मेरे मन में यह दृढ़ विश्वास था कि ईश्वर भक्ति में रत साधकों के साथ कुछ भी बुरा हो ही नहीं सकता। यक्ष के सभी प्रयास विफल रहे और मेरी सभी विद्याएं सिद्ध हो गई। इसके बाद यक्ष ने भी प्रसन्न हो मुझे कई वरदान दिए। मैंने संचरणी, कामदायिनी, कामगामिनी, दुर्निवारा, जगत्कंपा, प्रज्ञप्ति, भानुमालिनी, अणिमा, लघिमा, क्षोभ्या, मनस्तंभकारिणी, सवाहिनी, सुरध्वंसी, कौमारी, वधकारिणी, सुविधाना, तपरूपा, दहनी, विपुलोदरी, शुभप्रदा, रजोरूपा, दिनरात्रिनी विधायिनी, व्रजोदरी, समाकृष्टि, अदर्शनी, अजरा, अनलस्तंभिनी, योतमस्तंभिनी, गिरिदाराणी, अवलोकिनी, अरिंधस्सी, घोरा, धीर, भुजंगिनी, वारुणी, भुवना, अवध्या, दारुणा, मदनशिनी, भास्करी, भयंसभूति, ऐशानी, विजया,
जया, बंधनी, मोचनी, वाराही, कुटिलाकृति, चित्रोद्वमकारी, क्षांति, कौबेरी, वशकारिणी, योगेश्वरी, बलुस्थादी, चंडा, भीति और प्रवशिणी आदि 18,000 महाविद्याओं और सिद्धियों को हासिल किया। एक बात बताओ, इतनी सिद्धियां तो वही सिद्ध कर सकता है ना जिसने पूर्व भव में अच्छे कर्म किए हो, जिसका वर्तमान में पुण्योदय चल रहा हो और जो जीव पुण्यात्मा हो। मानता हूं मुझसे बुरे कर्म हुए हैं, पर अच्छाई और बुराई तो हर जीव के साथ चलती है। सच्चा तो वह है जो अपने बुरे कर्मों से सबक ले और दूसरों को भी ऐसा ना करने की प्रेरणा दे। मैं भी संसार को बुरा न करने की ही प्रेरणा दे रहा हूं। सच कहूं, मेरी तपस्या पर अनेकों आचार्य भगवान कहते हैं कि यदि इतनी घोर तपस्या किसी मुनि ने की होती तो उसे मोक्ष प्राप्त हो गया होता। सोचिए, मेरे पाप कर्म कम हैं और पुण्य कर्म अधिक। मैं तो अपने अशुभ कर्मों का फल भोगने के बाद पुनः तपस्या करके अपने पुण्य प्रताप से मोक्ष प्राप्त करूंगा ही, साथ ही तीर्थंकर पद को भी प्राप्त हो जाऊंगा। पर क्या आप मेरा पुतला जलाकर मोक्ष के अधिकारी हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप तो बस अपने अंदर के अशुभ को नष्ट करो, उसका दहन करो, तभी आप जीवन का मूल लक्ष्य प्राप्त कर सकोगे।